नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। बेटियों के आगे बढ़ने में बाधा नहीं आने देगी सरकार। जी हां, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की बेटियां आज हर क्षेत्र में नाम कमा रही है और अपने परिवार व प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। FBB कलर्स में फेमिना मिस इंडिया 2018 की रन अप मीनाक्षी चौधरी ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। पंचकुला की रहने वाली मीनाक्षी चौधरी मुंबई में आयोजित मिस इंडिया 2018 में पहली रनअप के रूप में चुनी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जिस प्रदेश में लिंगानुपात की स्थिति को बदनाम किया जाता था, सरकार के 3 सालों के लगातार प्रयासों से आज हरियाणा की लिंगानुपात में सुधार और संतुलित करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के बेटियों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियों ने हर क्षेत्र में नाम कमाया है। हाल ही में हुई IAS की परीक्षा में राज्य की लड़कियों ने अच्छा स्थान हासिल किया है, जो गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सारे अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सब क्षेत्रों में बेटियां आगे बढ़ रही हैं और इसी तरह से आगे बढ़ती रहेंगी। उन्होंने कहा कि बेटियों के आगे बढ़ने के लिए जो भी बाधा आएगी उसे सरकार दूरी करने के लिए तैयार है। उन्हें दूर करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आप देख रहे हैं चंडीगढ़ से ये खास रिपोर्ट। हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि जिस प्रदेश को बदनाम किया जाता था कि वो बेटियों की रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकते या बेटियों के लिए वहाँ पर एक जेंडर रेशो के नाते से बहुत बुरी स्थिति हमारी बनी हुई थी, हमने 3 साल से लगातार बड़ी मेहनत की है। ठीक है कि आज जो उपलब्धियां प्राप्त कर रही हैं बेटियां तो और पहले की हैं, लेकिन आज भी उस नाते से हमारे प्रदेश का नाम जेंडर रेशो को एक प्रकार से संतुलित करने के लिए हमने जो प्रयत्न किए उसके नाते से हरियाणा जाना जाता है। हरियाणा में बेटियों में जो प्रतिभा है उस प्रतिभा के नाते से, चाहे वो खेलों में प्रतिभा रही हो, चाहे सुंदरता में प्रतिभा है, चाहे हमारे यहाँ शिक्षा क्षेत्र के अंदर भी एक से आगे बढ़ करके अभी पीछे IAS के अंदर भी हमारी बेटियों का बड़ा अच्छा स्थान आया है। तो टैलेंट के वाइज, ब्यूटी वाइज या स्पोर्ट्स के नाते से, इस नाते से सब क्षेत्रों में बेटियां हमारे आगे बढ़ रही हैं और ये लगातार आगे बढ़ती रहेंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और हम कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे कि इनको आगे बढ़ाने में कोई कठिनाई बाधा आएगी तो उसको दूर करने के लिए सरकार की ओर से हर प्रकार का प्रयत्न करें।